बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए तैयारी चल रही है। पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। पेंडिंग्स की जो समस्या है पार्ट वन हो तब या पार्ट टू वाले का हो तब, जिनके भी समस्या है वो परीक्षा विभाग यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सोमवार को किस तरह से प्रभात खबर में एक आर्टिकल छापी गई थी, जिसमें बताया गया था कि परीक्षा नियंत्रक को मतलब उनका घेराव किया गया था और स्टूडेंट ने अपनी मांग रखी थी, अलग अलग मांग थी। क्या क्या थी मैंने आपको बताया था, उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि छात्र की यह मांग है कि पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए तीन काउंटर अलग अलग बनाया जाए फिलहाल, और पार्ट वन के किसी भी छात्र का समस्या है तो पार्ट वन डिपार्टमेंट उसको सॉल्व करे, यानी पार्ट वन का काउंटर इसी तरह से पार्ट टू के साथ होना चाहिए और इसी तरह से पार्ट थ्री के साथ। तो सोमवार को आर्टिकल में छापा गया था कि ठीक है, कम से कम तीन काउंटर जल्द से जल्द खोले जाएंगे। उसके बाद से इस पर काम थोड़ी सी तेजी हुई और काउंटर खोल दिया गया है यूनिवर्सिटी के मुताबिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सूचना अति आवश्यक सूचना जारी की है तमाम छात्रों के लिए कि आप अब आपके जो भी काम हैं आप परीक्षा विभाग में यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में न आकर के पोस्ट ऑफिस के बगल में छात्र हेल्पलाइन काउंटर बनाया गया है, आप वहाँ पर जाए। आप देख पा रहे हैं ये जो काउंटर खोला गया है, प्रभात खबर ने इस पर एक रिपोर्ट दी थी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का काम यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, काउंटर अलग खोला जा रहा है, इससे पहले भी खोला गया था। तो हम वो भी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरह से काउंटर खोला गया था और वो कामयाब रहा या नहीं रहा, लेकिन इस आवश्यक सूचना पर आप नज़र डालेंगे तो कुछ इस तरह से है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित तथा अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए छात्र हेल्पलाइन यानी पोस्ट ऑफिस के बगल में अवस्थित कार्यालय काउंटर से संपर्क करें। जो काउंटर है उसका नाम दिया गया है छात्र हेल्पलाइन। तो वहां पर छात्र एवं छात्राएं परीक्षा से संबंधित कोई चीज़ हो तब या उसके अलावा और भी कोई इशू हो तो वहाँ पर जा कर के काउंटर पर विजिट करें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वहाँ से सही की जाएगी। और नीचे यह भी कहा गया है कि इसे अति आवश्यक समझा जाए विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश अनुसार, यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ये आदेश है। अब हम आपको दिखाते हैं प्रभात खबर ने जो आर्टिकल छापी है, जो इससे पहले काउंटर खोली गई थी उसके क्या हालात हुए थे और किस तरह से वो बंद हो गए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हम हेडलाइन पर नज़र नहीं डालेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है कि हंगामों को रोकने के लिए मांगी पुलिस, वहाँ पर भी हम नज़र नहीं डालेंगे। उसके नीचे है पहले भी खुला था काउंटर पर चला नहीं, जो काउंटर खोला गया है वो काउंटर ऑलरेडी पहले भी खुल चुका था। इसका डिस्क्रिप्शन आप ऊपर है कि बिहार विश्वविद्यालय के गेट पर डेढ़ वर्ष पहले भी काउंटर खोला गया था, तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार राय ने इसकी व्यवस्था की थी लेकिन यह चल नहीं सका, कुछ दिनों में ही इसे बंद करना पड़ा। छात्रों की भीड़ और रोज के हंगामे के कारण यह तैनात कर्मचारियों ने भी काम करने से हाथ खड़े कर दिए थे, यानी भीड़ इकट्ठी होती थी, हंगामा होता था, इसलिए जिस भी कर्मचारी को वहां पर तैनात किया गया था उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वो काउंटर बंद कर दिया गया था। तो विश्वविद्यालय के गेट के सामने खोला गया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन काउंटर खोले गए हैं जो पोस्ट ऑफिस के बगल में है। तो यदि अब यूनिवर्सिटी आप जाते हैं तो आप वहां पर जाएं, जैसा कि इस आदेश में बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।